तो हेलो जी नमस्ते, मैं पूजा सिंह अनुस्मम ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए सरसों वाली भिंडी की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये सब्जी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम बनाते हैं। तो जी, सरसों वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम भिंडी लिया है, उसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद मैंने इसे कट किया है। तो मैंने कुछ इस तरीके से कट किया है, ये देखिए। इसके साथ साथ मैं मसाले में और फ़ौरन में क्या क्या यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ़ौरन के लिए मैंने पीला सरसों लिया है और साथ में 10 से 15 मेथी के दाने लिए हैं। इसके साथ साथ फ़ौरन में मैं लगभग 5 से 6 हरी मिर्ची को मैंने बीच से कट कर लिया है। और मसालों में मैंने सरसों और लहसुन का एक पेस्ट तैयार किया है जो मैंने 2 चम्मच लिया है इधर। साथ में एक छोटे साइज का प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ में हम डालेंगे मसालों में 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ साथ मैंने 2 टमाटर भी कट कर लिए हैं और साथ में हम नमक हल्दी भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सब्जी हम बनाते हैं। तो जी, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैंने सरसों तेल भी डाल दिया है। तेल भी गर्म हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं इसमें भिंडी को भून कर निकालूंगी। तो मैं भिंडी डाल देती हूँ। हम भिंडी को तब तक भूनेंगे जब तक भिंडी का रंग चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारी भिंडी का रंग चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने भिंडी को भून कर निकाल लिया है और इधर मैंने कढ़ाई में सरसों तेल भी डाल दिया था और साथ में तेल गर्म होने के साथ मैंने इसमें फ़ौरन भी डाल दिया है। तो फ़ौरन में मैंने सरसों और मिर्ची भी डाल दिया है और हमारी फ़ौरन भी हो चुकी है। तो चलिए इसमें मसाले डालते हैं। तो जी, मसाले में सबसे पहले हम सरसों ऐड करेंगे, इसके साथ साथ प्याज और साथ में धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ साथ हम नमक हल्दी भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए नमक हल्दी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें नमक हल्दी भी ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो यही मसाला वाला पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके साथ साथ इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें मसाला भूनना है। अब मैं इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पे इसे मैं भूनूंगी। तो ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। तो मैंने इस सरसों वाले मसाले को मैंने ज़्यादा नहीं भूना है, मैंने लगभग 5 से 6 मिनट ही इसे भूना है। मैं अपने पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि कोई भी सरसों वाली सब्जी बनाए तो सरसों को ज़्यादा ना भूने, नहीं तो फिर सरसों का तीतापन आ जाता है। तो चलिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लें। अब हम पानी में इस ग्रेवी में उबाल आने देंगे, इसके बाद इसमें हम भिंडी डाल देंगे। तो चलिए उबाल आने का वेट करते हैं। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम भिंडी इसमें डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म सब्जी रेडी है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और सब्जी को सर्व कर लेते हैं।
तो जी हमारी गर्मा गर्म सब्जी रेडी है, तो इसको आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं और ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।